एंड वेलकम टू स्काई एजुकेशन। स्टार्टिंग विद अलजेब्रा टुडे, आज हम लोग अलजेब्रा में लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। यानी ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये टॉपिक के अंदर जो इक्वेशंस रहते हैं उसको कैसे फॉर्म करते हैं, वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं फॉर एक्स फॉर वाई, जो भी वेरिएबल्स हैं उसके वैल्यूज कैसे फाइंड करने वाले कोशिश करें, जैसे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से, ग्राफिकल मेथड से, फॉर्मूला मेथड से, जो भी रहेगा कंसेप्ट वो हम लोग इसके अंदर क्लियर करेंगे। लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे चल के अगर आप 11th 12th करने वाले हो तो लीनियर इक्वेशन तो लाइफ में आने वाला ही है, मैथ्स में मतलब लीनियर इक्वेशन कहीं ना कहीं काम आएगा ही। तो टॉपिक इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी। क्लियर, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में दिया है पहला क्वेश्चन, इट इज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्लियर, आपको एक्टिविटी बना के दिया है और आपको फिल करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, दैट इज माय इक्वेशन नंबर। ये दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन के इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन मतलब अलाइन इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब हमको इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड, x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए, x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा क्या मैं सेम हूँ, क्या बोलेगा, क्या मैं सेम हूँ, क्या मैं पॉजिटिव नेगेटिव हूँ, क्या मैं सेम हूँ, क्या मैं पॉजिटिव नेगेटिव हूँ, किससे पूछने का, x और y से पूछने का, पहले x से पूछते दोनों इक्वेशन, क्या मैं सेम हूँ, नहीं, y क्या मैं सेम हूँ, हाँ, क्या मैं पॉजिटिव नेगेटिव हूँ, हाँ, तो सॉल्व होगा, अगर नहीं तो देखिए क्या करना, यहाँ पे तो सेम है तो सॉल्व होगा, सॉल्व होगा तो सिंपल सॉल्व होगा, कुछ भी सोचना नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है ये दोनों सेम है, कैंसल, 5x में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब ये प्लस साइन, 5x में 2x को प्लस करेंगे तो आएगा 7x, ये तो कैंसल हो गया, इज इक्वल कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, 9 में 12 को प्लस करेंगे, 9 में 12 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, समझ में आया, हाँ या नहीं, x फाइंड करना है तो 7 को इधर लेके आना पड़ेगा, x इज इक्वल 21/7, 7 के टेबल में 20 बन जाते हैं, 3 सम, x इज इक्वल 3, अब x मिल गया, अब ये सबको हेल्प करेगा, जो मिल गया है आपको सबको हेल्प करता है, चलेगा दीदी इतना बड़ा है, बोलेगा कि बच्चे को मदद चाहिए, मैं आ जाएगा मदद, अब ये बंदा x दो इक्वेशन है, वो जिसको भी मदद करना चाहेगा उसको कर सकता है, आप बोलो कि पहले सेकंड इक्वेशन में, वो सेकंड इक्वेशन में चले जाएगा, आप बोलो कि पहले इक्वेशन में, जिधर आप उसको लेके जाओगे वो उसकी मदद करेगा ही करेगा, तो आप बोलो किसकी मदद करवा देगा, पहले वाले इक्वेशन का, चलो पहले वाले, तो पहला वाला इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, x बोलेगा मेरा वैल्यू कितना है 3, मेरे को यूज करना है, ठीक है भाई तेरे को यूज करता हूँ, 5 × 3 प्लस ये तो मालूम ही नहीं है इज इक्वल्स टू 9, 5 × 3 = 15 होता है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये दोनों सेम है मतलब वो उसके पास चले जाए, प्लस उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस, कुछ भी नहीं मतलब प्लस साइन है, प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3y = 9 − 15, अरे बरोबर है क्या, 9 में से 15 को माइनस कर लेगा, 9 में से 15 कैसे माइनस होगा, होगा लेकिन नेगेटिव माइनस, तो 9 में से 15 माइनस होगा तो -6 आ जाएगा, बराबर y चाहिए तो 3 को इधर लेके आ जाओ, y = −3 −6/3, 3 के टेबल में 6 जाता है, 3 × 6 y = −2, अरे बात समझ में आया, मगज में गया, बस यही बॉक्स उधर दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करना है और आपको वेरीफाई करना, सर क्या मैं सेकंड इक्वेशन में अगर यूज करूंगा तो आंसर क्या आएगा, एकदम वही आएगा,
थोड़ा भी अलग अलग नहीं रहेगा, इसमें सबसे करो तो भी आंसर तो वही है। अरे बात समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या तो दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। पहला इक्वेशन दिया, बहुत सारे इक्वेशन दिए, 8 इक्वेशन दिया है। हमको डरने का नहीं है, हमको सीधा पहला सवाल, क्या तुम लोग सेम सेम हो, क्या तुम पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, खाली इतना पूछने का है। अगर अपने को आंसर हाँ आया सॉल्व हो जाए ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इक्वेशंस लिख लेते हैं। जरा बताओ इक्वेशन क्या है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। सेकेंड इक्वेशन a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। हमारा पहला सवाल ए से होगा, क्या आप दोनों सेम हो? नहीं। हमारा सवाल बी से, क्या आप दोनों सेम हो? हाँ। क्या आप पॉजिटिव नेगेटिव हो? नहीं, हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव है, है ना, वेरी सिंपल। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ठीक है, काम करो पॉजिटिव को नेगेटिव करो, जितने भी पॉजिटिव साइन है सबको क्या करो नेगेटिव, सबको नेगेटिव करो। भाई साहब आपका साइन क्या है? पॉजिटिव, आप नेगेटिव हो जाओ। आपका साइन क्या है? पॉजिटिव, आप नेगेटिव हो जाओ। भाई साहब आपका साइन क्या है? पॉजिटिव, आप नेगेटिव हो जाओ। अरे बात समझा, ठीक है भाई नेगेटिव हो गया। अब चेक करते हैं आंसर, 3a में माइनस करने का है a, a मतलब 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, तो 2 बार a बचेगा, 2a। 26 में 22 को माइनस करना है, 26 में 22 को माइनस करना है तो 4 बचेगा, बराबर है, मुझे तो a चाहिए, तो a इज इक्वल टू 4/2, क्योंकि टेबल में 4 जाता है। अब ये तो दरिया दिल है, ये तो बोलेगा भाई किसको मदद चाहिए, मैं आ रहा हूँ, किसको चाहिए, इसको इसको, जिसको चाहिए उसके पास जाएगा, इसके पास भेजने का आप बोलो उसके पास, फर्स्ट सेकंड इधर, फर्स्ट और सेकंड का बात है अंजरी, हम जाएंगे सेकंड में, चलो सेकंड में जाएंगे। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, बराबर। अब ये a तो मदद करने आया, कितना मदद करेगा? 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। बैकग्राउंड में आवाज आया, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम है भाई, सब साथ में लिखना पड़ेगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल टू 20, बराबर। हमको तो b चाहिए, b इज इक्वल टू 5 से डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाय 5 5 बाय 20 क्या बात है 20 इक्वल्स टू 4 इज़ स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स समझ में आया हाय नहीं इसी तरह आपको आगे के सब सॉल्व करने हैं मैं करवाऊंगा लेकिन अभी इतना मेरे को चलो स्टार्ट करेंगे अब बढ़ते थोड़ा सा अलग सम की तरफ तो अलग सम के अंदर अगर ऐसा देखने जाओगे तो आपको दिखेगा सम नंबर 6 मेरे को कुछ अलग दिख रहा है 1 upon 3x plus y 10 upon उसको सॉल्व। बेसिक तो आपको समझ में आया करना क्या है, x सेम है y सेम है प्लस है माइनस है, सम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लगे, देखते ये कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 सम, 1/3x + y = 10/3 पहला इक्वेशन है, कॉमा। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x + 1/4y = 11/4 बराबर। अब करने का क्या, पहले तो क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं, फंसा रहा है हमको, पहले तो x और y आता था, ये फ्रैक्शन कैसे आया, बराबर। तो जब भी फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा, रैशनल में आ जाएगा नंबर, तो क्या करने का, डिनोमिनेटर भाई साहब को इक्वल करने का, क्या करने का, डिनोमिनेटर भाई साहब को इक्वल करने का, कौन से डिनोमिनेटर को, लेफ्ट हैंड साइड वाले, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये साइड का डिनोमिनेटर सेम करना है, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x/3, सर x/3 क्यों, 1 * x तो x ही होने वाला है, x/3 + y
इज इक्वल टू 10/3 हमारा एच, मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करना मतलब इधर 3 है तो यहां 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 आएगा। जैसे ही नीचे वाले को डिवाइड किया, ऊपर वाला ने बोला काहे नीचे कर रहा है, ऊपर भी करना पड़ेगा, मतलब ना इंसाफी नहीं, जितने से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है उतने से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। तो जब 3 यहां मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर भाई साहब इक्वल हो जाएगा, तो आएगा एक्स अपॉन 3 प्लस 3y/3 इज इक्वल टू 10/3। समझे? अब देखो सब डिनोमिनेटर सेम है बराबर, डिनोमिनेटर जब भी सेम है तो प्लस कर सकते हैं, तो यहां पे आएगा x प्लस 3y/3 इज इक्वल टू 10/3। अब ये जो 3 है वो ले लो यहां पे और सीधा सीधा कैंसिल भी हो जाएगा, 3 यहां आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो आप इक्वेशन आया x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन नंबर 1। कैसे आया समझा? ये समझा। अब आ जाते हैं दूसरे वाले के पास, तो दूसरे वाले को भी डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तो दूसरा वाला है 2x अपॉन कुछ भी नहीं है मतलब 1 है प्लस y अपॉन 4 है इज इक्वल टू 11/4। क्या इधर डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, इधर 4 है तो इसको भी 4 चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4। ना इंसाफ की जरा भी नहीं, क्या करना पड़ेगा, जितना नीचे मल्टीप्लाई किया है उतना ऊपर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आएगा 8x/4 प्लस y/4 11/4। अरे समझे? अब सब सेम हो गया है बराबर, जब सब सेम हो गया तो एडिशन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ही एडिशन होता है। 8x+y/4 इज इक्वल टू 11/4, कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, तो आएगा 8x+y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अब तो ये हमारा साधा वाला इक्वेशन हो गया बराबर, जब साधा वाला हो गया तो जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, लिख देंगे x प्लस 3y is equals to 10, 8x+y is equals to 11। पहला क्या पूछना है आपको, x सेम है क्या? नहीं। y सेम है क्या? नहीं। अब दोनों सेम नहीं है, जब दोनों सेम नहीं है तो किसी एक को तो सेम करना पड़ेगा, या तो x को सेम करना पड़ेगा या तो y को सेम करना पड़ेगा, जिसमें आपको पसंद है उसको आप सेम। आपको x पसंद है x को सेम करो, y पसंद है y को सेम करो, किसको करने का है? y, चलो y को करेंगे। अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना है? One है, तो इधर सेम करने के लिए इसको भी 3 करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ठीक है। अब पहले वाले को कुछ किया है? नहीं, पहले वाले को तो कुछ नहीं किया, तो इसको लिख देंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किए, 8 3 हो जाएगा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। मेरा सवाल क्या था भाई, सेम हो? नहीं। सेम हो? हाँ सेम है, प्लस माइनस हो? नहीं, दोनों प्लस है। नहीं है तो हम कर देंगे, कैसे? दोनों प्लस है तो जब दोनों प्लस है तो एक को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो जिधर भी प्लस साइन है उधर माइनस, माइनस माइनस, क्योंकि ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, समझा? अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, x में से 24x को माइनस करना है, एक में से 24 माइनस होगा? नहीं, तो नेगेटिव आएगा, कितना? माइनस 23x, समझे? अब माइनस 23x इज इक्वल टू 10 में से 33 माइनस होगा? नहीं, तो आएगा माइनस 23 बराबर, हमको तो x चाहिए, 23 को इधर ले लो, x is equal to minus 23 upon minus 23, क्या आंसर is equal to x is equal, अरे दरिया दिल आ गया, आ गया दरिया दिल, अभी क्या बनेगा, मेरी मदद किसको चाहिए, उसमें जाऊंगा मैं, फर्स्ट वाले को चाहिए उसमें, इधर 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 जिधर जिसको मदद चाहिए x चले जाएगा, अरे बात समझ में आ गया, तो भाई साहब x इधर 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 जहां पे आपको डालना है उधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किधर करना है, मैं तो फर्स्ट वाला बेटर लग रहा है, है कि नहीं, चलो x
वाला पहले वाले इक्वेशन में चले जाएगा। तो x कितना है यहाँ पे 1, बोलेगा ठीक है मेरा वैल्यू 1 लिखो, प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब जैसे ही लिखा तो बैकग्राउंड में गाना बजेगा, कौन सा? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम है मतलब एक साथ दिखा जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, समझ में आया? तो 3y इज इक्वल टू 9। अब 3 के टेबल में 9 तो जाता ही है और अपने को तो y चाहिए, y इज इक्वल टू 9 बाई 3, y इज इक्वल टू 3। बस समझ में आया क्या? इसी तरह आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। थैंक यू।